मैं आपसे पूछता हूँ ऊंचा फैला देवता के जो पशुआ है, बताइए क्या आपके पास कोई संकल्प है, आपका कोई नियम है, आपका कोई व्रत है, आपका कोई संयम है, आपका कोई तप है? अगर संकल्प लेना है तो लीजिए आज संकल्प, आज से उस भगवान का स्पर्श मैं तब करूंगा जब मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। मैं शराब को स्पर्श तक नहीं करूंगा। संकल्प लीजिए आप, अगर आप नहीं संकल्प ले लिया तो यहाँ का बच्चा बच्चा, बूढ़ा का बूढ़ा, युवा से युवा बच्चा इसको स्पर्श नहीं करेगा आपके दरबार में। लेकिन पहले आपको आगे आना, आप यदि इसके रक्षा करने वाले आप हैं, इस संसार के इस गमशाली गांव से लेकर के जितना भी एक पूरा स्थानक है, नीति भरक्या बांपा, तो पहले आपको अपने को पवित्र बनाना है, आपको इन चीजों से दूर रहना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कथा तो अथा होती है, कितनी कथा सुनाएं? एक महीना बैठा तो हमें यहाँ एक महीना तक कथा सुना रहे, लेकिन क्या प्रभाव? कल सायंकाल को नीचे जा रहे थे हमारे कुछ युवा साथी, आज भी इतना बड़ा यज्ञ किसके लिए? आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, विश्व कल्याण के लिए आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। और आप लोग नीचे में जाकर के भूतनों को तोड़ रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं हमारी आंखें बंद हैं क्या? एक अध्यक्ष, एक मंदिर समिति के इंसान कहां तक जाएगा?